ये है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह। ये कौन है दीदी? आपको पता नहीं? ये तो गांधी जी है। गांधी जी हमारे देश का राष्ट्रपिता है। आपको पहले पता नहीं था? नहीं। तो चले मैं तुम्हें कथा सुना। चलो सुना। शुरुआत हुई 1835 में, जब भारत के एक एक प्रांत अंग्रेजों के कब्जे में आ रहे थे। इस समय अंग्रेजों ने भारतीय नमक पर कर लगाया और नमक के ऊपर कई कानून भी ला दिए। कर ने भारतीय नमक का दाम बढ़ाया। सोना जरूरत के लिए नमक खरीदना अब भारत के लोगों के लिए और खास तौर गरीबों के लिए बहुत मुश्किल हो गया। नमक कानून के बाद भारतीय मूल के लोगों के लिए नमक इकट्ठा करना या बेचना या खरीदना गैर कानूनी के काम हो गया। भारत के अंग्रेजों के अलावा कोई भी नमक बेचता या बनाता तो उसे 6 महीने की जेल हो सकती थी। गांधी जी और उनके साथियों को नमक कर और नमक बनाने पर प्रतिबंध सही नहीं लगा और उन्होंने अंग्रेजों का विरोध करने का फैसला किया। गांधी जी ने कहा, माना जाए तो हवा और पानी के बाद नमक जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत है। नमक वाकई जरूरी है क्योंकि ये हमारे खाने का स्वाद बढ़ाते हैं और उससे भी बड़ी बात अच्छी सेहत के लिए नमक जरूरी है। पता चला? गांधी जी ने अहमदाबाद के गांधी आश्रम से नमक यात्रा की शुरुआत की। उनकी मंजिल थी दक्षिण गुजरात के समुद्र में किनारे बस। ओके, चलो। बसा डांडी नाम का गांव 12 मार्च 1930 को गांधी जी और 78 लोग यात्रा पर निकले। इन सभी को स्वतंत्र सेना में भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने गलत कानून के खिलाफ आवाज उठाई और अंग्रेजों से भारत को आजाद करने के लिए भी लड़ी। अहमदाबाद के दांडी तक के 240 किलोमीटर के रास्ते में हिंदुस्तान भर से आए हुए हजारों लोग अंग्रेजों के खिलाफ हो रही इस यात्रा से जुट गए। यात्रा का मकसद था नमक पर लगे कर और भारतीयों के नमक बनाने और बेचने पर जो पाबंदी थी उसका विरोध। गांधी जी और उनके सहयोगी रोज दिन में 12 किलोमीटर पैदल चले और दांडी पहुंचने में उन्हें 3 हफ्ते लगे। गांधी जी ने इस सच की लड़ाई का नाम दिया, पता है? सच्चाई की लड़ाई करके नाम दिया। यात्रा के अंतिम समय पर दांडी पहुंचकर गांधी जी ने समुद्र किनारे से एक मुट्ठी नमक उठाया और कसम ली, नमक के इन दोनों की मदद से मैं ब्रिटिश राज की नींव हिला दूंगा। दांडी यात्रा के साथ ही गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन की भी और शुरुआत की। नमक यात्रा की वजह से 80,000 भारतवासियों के साथ गांधी जी को जेल भेजा दिया, मगर आखिरकार अंग्रेजों प्रशासन को हार मान नहीं पड़ी। भारत के सुधार के बारे में बात करने के लिए गांधी जी को लंदन बुलाया गया। गांधी जी की नमक यात्रा ने अखबारों में खूब सुर्खियां बटोरी और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में मील का पत्थर साबित हुई, जिसकी वजह से 1947 में हमें आजादी मिली ब्रिटिशों से। इस छोटी सी पहल से गांधी जी ने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव हिला दी। उन्होंने दिखाया साहसी और दृढ़ निश्चय लोग चाहे नमक के दिन जैसे छोटे ही क्यों ना हो,
एकजुट होकर काम करें तो बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। तो आपको ये स्टोरी अच्छी लगी? हाँ। और पसंद आया ना? हाँ। और समझ भी आया? हाँ। अरे दीदी, क्या हुआ? कल तो इंडिपेंडेंस डे है ना? हाँ, कल तो इंडिपेंडेंस डे। हम कैसे मनाते हैं? हम स्कूल पर परेड करते थे, स्पीच करते थे, डांस भी करते थे। अब क्या हुआ, उदास मत हो, अब भी तुम सेलिब्रेट कर सकते हैं। कैसे यार दीदी? चलो हम हमारे दोस्त को बुला के डांस करते। हाँ दीदी, मैं दोस्त को बुला कर आती हूँ। चलो हम बुला के आते हैं। हाँ। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। चंदे से आते हैं हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है तो पूछे जाते हैं कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम दिन ये घर सुना सुना है। मैं गया जहाँ भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी मुझको रहना। अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कंधों से कदम रखते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। तेरे आगे सर, तेरी गोद मेरा घर है, तुझे सलाम इंडिया। झुके तेरे आगे सर, तेरी गोद मेरा घर है, तुझे सलाम इंडिया। पहचान चाहिए, इसके लिए मैं क्या करूं दीदी? हम तो मन से ही भारतीय है, हमारा परंपर सब देशों से अलग है, हमारा संस्कार एक दूसरे से प्यार से रहने के लिए सिखाता है, इसलिए हिंदू क्रिश्चियन बौद्ध सिख मुस्लिम सब धर्मों से प्यार करते हैं और प्यार से रहते हैं। अब सब मिलके बोलो भारत माता की जय। तो दोस्तों, आपने देखा लॉकडाउन हुआ तो क्या, हम घर में सब लोग मिलके इंडिपेंडेंस डे बनाएंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना और हमारी वीडियो को लाइक भी करना। तो सब और एक बार बोलो।